नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी ऑनलाइन लेक्चर में तमारुं स्वागत छे। इमला विद्यालय सी एस टी झवेरी आर्ट्स कॉलेज गढ़, बी एस एम थ्री सब्जेक्ट संस्कृत, सी 304 सब्जेक्ट काव्य प्रकाश, उल्लास पहलो अने दसमो। आपने काव्य प्रकाश घणा बधा प्रश्नों विषय चर्चा करी, मम्मटना जीवन विषय, मम्मटना विद्वत्ता अविद्वत्ता घणा बधा प्रश्नों विषय चर्चा करी गया छे। आज आपने बीजा लास्ट में संप्रदाय प्रश्नों विषे चर्चा करी थी। संप्रदाय पांच संप्रदाय विषे चर्चा करी थी, छह संप्रदाय छे। एटले आपने ए संप्रदाय विषे पछीना लेक्चर में चर्चा करीशुं। आज आपने एक प्रश्न विषे चर्चा करी जोईए। आजनो प्रश्न, आज आपनो प्रश्न छे काव्यशास्त्रना परिचय। काव्यशास्त्रनो परिचय में जोईए, वैविध्यसभर काव्य रचनाओ अने काव्यनी चमत्कृतिओथी शोभात संस्कृत वाङ्मयमां काव्यना शास्त्रनी पण एक उज्ज्वल विकास परंपरा अंकाई छे। संस्कृत काव्यशास्त्र एनी सूक्ष्मता, मर्मग्रहिता अने सर्वग्राही विचारों ने कारण जगतना सौंदर्य शास्त्र में अद्वितीय स्थान धरावे छे। 2-2.5 हजार वर्ष लांबा प्रसार में आ शास्त्र उत्तरोत्तर अने उत्कृष्टताओ सिद्ध करी छे, जेनो अभ्यास खूबज रसप्रद बने एवो छे। संस्कृत साहित्य अनेक लक्षण शास्त्रोथी समृद्ध छे। काव्य साथे संबंधित एवा अनेक तत्वोनी संगोपांग चर्चा करतुं शास्त्र के काव्यशास्त्र छे। काव्यने माटे साहित्य शब्द प्रयोजातो होय तेने आपणे साहित्यशास्त्र पण कही शकीए छीए। वैदिक साहित्य आपणुं ज नहीं पण समग्र जगतनुं प्राचीनतम साहित्य छे। वेदों सर्व विद्याओमां मूल स्रोत छे, एटले स्वाभाविक रीते ज कोई पण शास्त्रनुं मूळ शोधवाना उपक्रममां આપણી નજર વેદો તરફ વળે છે। વેદો અને વેદાંગોના કાવ્યશાસ્ત્ર સાથે કોઈ સીધો સંબંધ નથી, આમ છતાં આપણા વેદો અનેક અનેક ઉત્કૃષ્ટ કાવ્ય ચમત્કૃતિઓથી ભરપૂર છે। ઋગ્વેદમાં ઉપમા, ઉત્પ્રેક્ષા, રૂપક, વ્યતિરેક, अन्वय, विरोधाभास वगैरे अनेक काव्यालंकारों प्राप्त थाय छे। एमा यमक, अनुप्रास वगैरे शब्दालंकारों पण छे। आपणा अनेक विद्वानोए ऋग्वेदना आ काव्यालंकारोनो निर्देश करी आप्यो छे। ऋग्वेदना उषा सूक्तोमां केटलीक सुंदर काव्य चमत्कृतिओ छे। ऋग्वेदमां उषाना अगवच्छर सौंदर्यतिशयनुं वर्णन करतो आ श्लोकनी ऋषिनी उद्दात काव्य प्रतिभानो द्योतक छे। उत्तत्वं पश्यनं ददश वाचमुत्तत्व सुनत्वनं सुनोतयनाम उत्तत्स्मेन तन्व विशस्त्रे जायते जायवे परतवे उषितं सुवासः। 10-71 आठमो मंत्र छे। इनू गुजराती जोई, एके लही वाच छता लहीना
एक सुनी तोय छता सुनी ना तेने वियोनु पण अपंग अंग एक ने प्रेमा तू स्त्री पिता पास जेम सुवस्त्र ढंकायेलु निज अंगे खोले नीचे प्रोफेसर एच डी वेलकर नो ऋग्वेदना चौथा ने पांचमा मंडलनी उपमा उपरनो लेख छे ने श्री वेंकु सुब्बानो ए बी ब्रोकनर नुदी लेखक फिंगर्स इन द युग अल्फा सॉफ बी आर आई बाई समा सत्तर में छे। प्रोफेसर चारुदत्त शास्त्री लेखक नो ऑल ऑफ द बीआरए भाग 78 पृष्ठ 34-84 में छे। आम प्रथम पंक्ति में विरोधाभास द्वारा इनी अगोचरता कलात्मक रूपे प्रकट करवानी करवामां आवी छे। बीजी पंक्ति में उषा ने प्रियतम पासे अंगो अनावृत करती प्रियतमा साथे सरखावामां आवी छे। उषा हिसनवे निनेती अपसर उषा जाने के हस्ती पोतानुं रूप प्रकट करे छे। आमां आकर्षक उत्प्रेक्षा छे। आत्मा अने परमात्माना संबंधने सोनरी वृक्षने वळगीने रहेला बे बक्षीओना रूपक द्वारा व्यक्त करतो ऋग्वेदनो आ मंत्र रूपातिक शयोक्तिनु उत्तम उदाहरण छे। वा सुपर्णा संयोजन चकायाम समानम वृक्षम परीक्षा जायते ततोरण्यम पिपलम स्वादुते अनसन्योक्ति विचायक शीतम ऋग्वेद मंडल 164 मंत्र छे। अत्यंत गहन एवा दार्शनिक विचार ने काव्य द्वारा आ रीते प्रसादित शैली में निरूपवानो वेदना ऋषिओनो प्रयास उद्दात कवि प्रतिभानो उद्योग धोतक छे। आमा रूपकता संयोक्ति उपरांत अनुप्रास्य माधुर्यनो पण अनुभव थाय छे। एमा विभावना अने विश्वशक्ति वगैरे अलंकारों पण शोधी शकाय तेम छे। ऋग्वेदना कविओ अलंकारोथी सभामां सभान हशे अथवा तेओ अलंकारोने आ नामथी ज ओळखता हशे एम पण आपणे कही शकीए नहीं। पण तेमनी स्वाभाविक काव्य प्रतिभामां आ काव्य तत्वना बीजा जडेला बीजे पड़ेला हता तेम जरूर कही शकाय। वेदकालीन कवियोने अस्पष्ट रूपे काव्यशास्त्रना सिद्धांतोनो पण ख्याल हतो एवो संकेत प्राप्त थाय छे। ऋग्वेदना कवियोए व्यवहारिक भाषा अने कविनी भाषा वच्चेनुं अंतर स्पष्ट करी कविनी वाणीनुं गौरव कर्युं छे। जेम के ऋग्वेदनो ऋषि कहे छे के ते पोतानी वाणीथी देवोनी सामे सशक्त ने नवीन मंत्रोनुं निर्माण करे छे। एक अन्य उदाहरणमां कविवाणी गौरव आ प्रमाणे कर्युं छे। बुद्धिशाळी मनुष्य पोतानी बुद्धिथी काव्यात्मय वाणीथी पेदानुं निर्माण एवी रीते करे छे कि जेथी जुदा पड़ी जता अनाज अने पुत्रनी जेम विवेक करी शकनार व्यक्ति ते काव्यनो आनंद माणी शके। उपरोक्त श्लोकमां कवि कर्मनुं गौरव कवि अने भावना भावकनो संबंध तथा काव्य आनंद काव्य प्रयोजन तरफ अस्पष्ट संकेत करे छे। ऋग्वेदमां काव्य
अथवा कविता शब्दों अनेकवार उल्लेख थयो छे। ऋग्वेद में गाथा शब्दों उल्लेख पण छे। अथर्वेद तो वेदनो देवो नु काव्य ज कहे छे। देवस्य पश्य काव्यस्य न ममार न जयंती। आम कविए अनेक काव्य भावनाओं ने लगती विचारणाओं संकेत आपने ऋग्वेद में प्राप्त थाय छे। जो के तेथी ते समय शास्त्र अस्तित्व धरावतु हशे तेम सिद्ध थतु नथी, पण साहित्यना सिद्धांतोना बीजा तत्कालीन कवियोना चित्तमां पण अस्पष्ट रूपे पड़ेला हता तेम कही शकाय। अहीं आपने लेक्चर पूर्ण थाय छे। आगळना लेक्चरमां प्रश्न अभ्यास चालू राखीशुं।